मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 में एक नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है लाइसोसोम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लाइसोसोम, ठीक लेसन 1 ही है आपका। लेसन 1 का जो कोशिका पिछले वीडियो में मैं पढ़ रहा था, मतलब हमने जो पढ़ाए थे, जो वीडियो में बताया था, गॉल्गी बॉडी हो गया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया था, तो उसी के क्रम में ये तीसरा कोशिकांग है। इस कोशिकांग का नाम है लाइसोसोम, ठीक लाइसोसोम है ये कोशिकांग। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए शुरू। तो पहला प्रश्न है, कोशिका के अंदर क्या कोई ऐसा भी कोशिकांग हो सकता है, कोशिका का कोई एक ऐसा अंग भी हो सकता है जो अपनी हत्या स्वयं कर ले? जी हाँ, ऐसा भी कोशिकांग होता है जो अपने आप को मार देता है, ठीक। तो ये और कोई नहीं बल्कि यही आपका लाइसोसोम होता है। जो लाइसोसोम होता है वो अपने आप को स्वयं को नष्ट कर देता है। तो अपने आप को स्वयं को नष्ट कर देता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, अर्थात आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन को विकल्पी वगैरह में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है कि किस कोशिकांग को सुसाइड बैग ऑफ सेल अर्थात आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक। तो जानते हैं आज लाइसोसोम के विषय में, ठीक। हर कोशिका का प्रत्येक जो अंग होता है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए जानते हैं लाइसोसोम या इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक। तो सबसे पहला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1955 में की थी। 1955 में डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट, डी डुबे ने इसको खोजा था 1955 में। अब दूसरा प्रश्न आता है, लाइसोसोम है क्या? तो उसका उत्तर है दूसरा पॉइंट कि लाइसोसोम जल अपघटनीय एंजाइम से भरी थैलिया होती है, अर्थात जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर एंजाइम भरे रहते हैं। क्या चीज? विकर। एंजाइम को हिंदी में कहते हैं विकर, ठीक। तो ये विकर अर्थात एंजाइम भरे रहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एंजाइम का काम क्या होता है, तो एंजाइम का काम होता है पाचन करना, ठीक। तो जो ये लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं तो इनका काम होता है पाचन करना। और लाइसोसोम का अर्थ क्या होता है? लाइसोसोम का अर्थ भी होता है पाचक काय। लाइसोसोम का अर्थ क्या होता है? पाचक काय अर्थात पचाने वाला, ठीक। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट है, ये इनका आकार कैसा होता है? तो ये गोल छोटी छोटी थैलियां होती, कैसे होती है? गोल या अंडाकार होती है। तो ये गोल या छोटी छोटी थैलियां होती है जो पौधों में कम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पौधों में इनकी संख्या कम जबकि जंतुओं में अधिक होती है, ठीक। पौधों में इनकी संख्या कम और जंतुओं में अधिक होती है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम का निर्माण कहां से होता है? पिछले वीडियो में मैंने आपको गॉल्गी बॉडी पढ़ाया था, ठीक। तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि लाइसोसोम
गॉल्गी बॉडी की वेसिकल्स से बनते हैं, क्योंकि जब मैंने गॉल्गी बॉडी पढ़ा था तो बताया था कि वेसिकल्स में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से इसमें भी है कि जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम गॉल्गी बॉडी की वेसिकल्स से बनते हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके वर्क, कार्य, क्या वर्क है इसका, लाइसोसोम का क्या कार्य है। तो जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी हमने ग्लूकोज लैक्टोज जो भी कुछ खाया हमने, तो वो होते हैं खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ मतलब क्या है, जो ग्लूकोज लैक्टोज जो हम लोग खाने में खाते हैं, तो खाद्य पदार्थ का पाचन लाइसोसोम के अंदर होता है। खाद्य पदार्थों का पाचन कहाँ होता है, लाइसोसोम के अंदर। ठीक, अर्थात कह सकते हैं कि लाइसोसोम खाद्य पदार्थों का पाचन करता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है मृत या बीमार कोशिकाएं, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं डेड हो गई हैं, मर गई हैं, और जो बीमार है कोशिका जो मरने वाली है, तो मृत या जो बीमार कोशिकाएं होती हैं उनको लाइसोसोम क्या करता है, ऑटोलाइसिस करता है। ऑटोलाइसिस मतलब उनको अपघटित करा देता है, तोड़ देता है, ऑटोलाइसिस क्रिया द्वारा नष्ट कर देते हैं, ऑटोलाइसिस क्रिया द्वारा उनको पचा डालते हैं, उन कोशिकाओं को ही पचा डालते हैं। इस कारण से इनको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी लाइसोसोम जो लाइसोसोम होता है, कभी कभी ये स्वयं को भी ये फट जाती है, लाइसोसोम जो होता है वो फट जाता है, फट जाने की वजह से जो एंजाइम होता है वो लाइसोसोम को भी ऑटोलाइसिस क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, ऑटोलाइसिस क्रिया द्वारा स्वयं को भी पचाकर नष्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि बता चुके हैं आपको, क्योंकि ये बीमार कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं और स्वयं को भी पूरी तरीके से ऑटोलाइसिस क्रिया द्वारा अपघटित कर देता है, नष्ट कर देता है। इस कारण से इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें फिगर कुछ नहीं है, फिगर एक हमें ऐसे दिखा देना है कि एक कोशिकांग है उसमें एंजाइम लगे हुए हैं, तो ये नॉर्मल सा फिगर है। इसको आपको लिखना है, समझना है, याद करना है, इसके कार्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ में इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, वो कोशिकांग है लाइसोसोम। आप इसको पढ़ेंगे, वर्क करेंगे इसका। कि आज के लिए ये वीडियो में बस इतना ही, कल हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।